हाय ऑल। सो यस, बहरीन के व्लॉग्स अभी चल ही रहे हैं, बट बहुत दिनों से व्लॉग्स बहुत ही मतलब नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी मैं। और दूसरी बात, बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था, कुछ ना कुछ काम निकल आ रहा था, तो इस वजह से व्लॉग्स बहुत ही डीले चल रहा है। तो बहरीन के व्लॉग्स तो कंटिन्यू हो जाएंगे, बाद में डालूंगी आप लोग के लिए, जिनको भी इंटरेस्टेड हो वो देख सकते हैं हम लोग ने क्या क्या किया। बट अब मैं थोड़े से नए व्लॉग्स डालने के लिए कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी क्रिसमस आज ख़त्म हुआ है। सो मैं अभी क्रिसमस के व्लॉग्स फटाफट डालने की कोशिश करूंगी। और सेकेंडली, बहुत दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से भी मैं थोड़ा सा लेट बैक हो गई थी। और अभी स्टार का बर्थडे भी है, और क्रिसमस वेकेशंस भी चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली, स्टार का एग्ज़ाम्स आने वाला है। सो वो सारे व्लॉग्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं आप लोग के साथ सारा जो हम लोग आने के बाद हमने क्या क्या किया है वो सब शेयर करूंगी, कि आते साथ ही रूटीन शुरू हो गया। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हम लोग का क्रिसमस शॉपिंग वगैरह भी होता है, इनका स्कूल में क्रिसमस, इनके स्कूल के क्रिसमस कार्निवल भी हुआ था, और साथ में हमारा घर का डेकोरेशन भी हुआ था। तो ये सब एक साथ मैं डाल दूंगी आप लोग के लिए, एंजॉय करो। और साथ में बीच बीच में आप लोग के लिए बहरीन के ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, ठीक है? तो वो भी आप लोग देखते रहना, ठीक है? आई विल होपफुली जल्दी जल्दी सब खत्म कर दूंगी, ठीक है? लेट्स गो एंड वॉच। सो यस, सुबह हम लोग बहुत लेट हो गया आते आते। देखा, लैंडिंग टाइम वॉज 6:40, बट वी लैंडेड लेट बिकॉज ऑफ मुंबई एयरपोर्ट ट्रैफिक कंजेशन, एयर ट्रैफिक कंजेशन। एंड देन मुंबई एयरपोर्ट इज लाइक सो केओटिक एंड सो भीड़ भाड़ वाला कि हम लोग को निकल मुंबई वैसे उनका एयरपोर्ट भी है। सो इट वॉज सो कंजेस्टेड दैट 8-10 o'clock तक हम लोग फाइनली जाके बाहर निकल के हमने ऊबर पकड़ा, घर आए 9:30। वी वर सो टायर्ड, सो एक्सट्रीमली, वी डिड नॉट स्लीप। हमने बस थोड़ा सा बस चेंज किया, वी एट अ ब्रेकफास्ट एंड देन वी स्लेप्ट। 4 बजे तक हम लोग सो रहे थे शाम के। वी वोक अप, हमने वी जस्ट रिवाइव्ड एंड हमने थोड़ा खाना वाना खाया, एंड देन वी अनपैक्ड एवरीथिंग बिकॉज वी कैन नॉट लीव एवरीथिंग ओवर हियर। सो वी अनपैक्ड एंड नाउ वी आर ऑल सेट अभी कल के लिए, बिकॉज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इट्स हसल, इट्स स्कूल डे। यस, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट, सो वी आर लाइक ऑल सेट फॉर टुमारो। स्टारलेट इज ऑल सेट, सो यस, थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा जेवी का बहुत सारा होमवर्क बचा है, 2 वीक का सारा। जेवी की 2 वीक की पढ़ाई सारी बची हुई है, तो वो कम्प्लीट करना। क्योंकि स्टार का बहुत दिन तक एनुअल डे वगैरह था, उनके प्रैक्टिस और उन सबके चक्करों में स्कूल बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा कुछ हुआ नहीं। सो यस, एवरीथिंग इज अनपैक्ड एंड नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड जेविन विल गो टू स्कूल। स्टार का इतना टेंशन नहीं है, आई एम जस्ट सीइंग कि हाउ जेविन इज गोइंग टू कोप अप फ्रॉम नाउ ऑन आफ्टर ऑल हॉलीडे ब्रेक। जेवियर इज लाइक, वो आने के लिए तो बड़ा वो कर रहा था, लेकिन अभी आ गया तो ही इज लाइक वो वापस यूज टू हो गया। तुम्हारा सारा हो गया अनपैकिंग, एवरीथिंग डन, स्टडी टेबल इज ऑल सेट, ऑल सेट, यस। एंड हम लोग का सारा सामान हमने निकाल लिया, सूट केसेस भी सारा अंदर जा चुका है, हमारा रूम भी पूरा हमने वैसे ही कर दिया या एक ही दिन में हमने सब कुछ वापस लिया बैक टू नॉर्मल इन एक ही दिन, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। टुमारो स्कूल शुरू हो जाएगा बहरीन, क्योंकि वो घर भी नहीं आता एंड प्लस हैंगओवर ज़्यादा था, छुट्टी का भी मूड था, तो इसीलिए 2-3 दिन लगा था हम लोग को हैंगओवर से निकलने। अभी हैंगओवर से निकलने का टाइम नहीं है, वी हैव टू लाइक गेट बैक अभी रूटीन में आते आते। ये वीक तो लग जाएगा पूरा हमको वापस, मतलब वो बहरीन से निकलने के लिए, यू नो लाइक वहाँ का जो फीलिंग था वो वापस से गेट बैक टू मुंबई फीलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं लिख रही थी तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं बहुत स्लो लिख रही थी और प्लस मेरा हैंडराइटिंग बहुत बिगड़ गया था। अच्छा, सेम लाइक वाइज, ये लिख ही नहीं रहा है।
ही इज नॉट राइटिंग एट ऑल, तो उसको भी 1 वीक लगेगा थोड़ा सेटल होने में. मैं एकदम रिलैक्स हो गई, मुझे लिखना नहीं था, फिर भी मैंने कंप्लीट कर लिया जितना मुझे हुआ. या यू विल ऑल्सो टेक 1 वीक ऑफ टाइम एंड देन पढ़ाई फटाफट शुरू करो, फिर एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं. अभी 2 एग्जाम्स है, यूनिट टेस्ट 2 एंड टर्म 2. दोज आर नॉट द ओनली एग्जाम टेस्ट एंड ऑल, सरप्राइज टेस्ट एवरी नाउ एंड देन. सरप्राइज टेस्ट अभी भी हो रहे हैं. चार का इयररिंग वायरिंग चेंज कर दिया हमने, नॉर्मल वाले इयररिंग्स पहना दिए, स्कूल अप्रोप्रिएट. तो ये स्टार का स्टडी टेबल टेम्प्ररी बेसिस में रेडी हो चुका है, मतलब उसने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी है. ये बहरन से लेके आई स्टार, ये होल्डर एंड ये स्टार का जो बुक्स है वो भी उसने थोड़ा ठीक करके रखा हुआ है. सो टेम्प्ररी बेसिस के लिए सब रेडी हो चुका है. क्या रख रहा है? ट्यूशन का बॉक्स. अभी से क्यों सेटिंग चल रही है ट्यूशन के बॉक्स? दो पेन रख रहा. हिंदी मराठी ट्यूशन कल से शुरू? बोलू टीचर को? हाँ हिंदी मराठी. क्यों कल आगे नोट्स वोट्स का उसमें नहीं घुसेगा बाबा? ये बैलेंस से लिख के बॉक्स, चाइल्डिश बॉक्स, ये उठा के रखो. क्या? हाँ फोटो फ्रेम. चलो तीन बाय, सी यू, टेक केयर, बाय. हाय ऑल, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक. सो टुडे इज अ न्यू डे, फर्स्ट डे, मतलब बच्चों का स्कूल वगैरह शुरू होके मैं जस्ट जा रही हूँ स्टार को पिकअप करने के लिए. जेवी भी स्कूल जा चुका है, स्टार भी सुबह स्कूल जा चुके हैं, तो आज से रूटीन शुरू हो चुका है एंड वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल. ऐसा लेजीनेस है, बहुत लेट हुए थे. जेवी कल रात को 4 बजे सोया, क्योंकि दिन भर सो चुका था वो, सो उसको नींद ही नहीं आई, तो 4 बजे वो सोया. और उसके बाद फिर सुबह 11:30 बजे उठा, कैसे करके भेजा उसको, आज फर्स्ट डे उसका स्कूल है, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है वो. होपफुली 1 वीक में नॉर्मल हो जाएगा. स्टार के नोट्स कंप्लीट करने हैं, पढ़ाई शुरू करना है, एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ. सो यस लेट्स गो. What is this? Sir. Right the. Right the. Hi all. So welcome back and welcome back to Mumbai. And कल मैं vlog बना रही थी और बिल्कुल ही सब मिस हो गया vlog बनाना, क्योंकि देवी राइट अब इंडिया, अब वापस से मुंबई आने के बाद बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो गया है, क्योंकि बच्चों के बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, बहुत सारा काम बचा हुआ है. बैकलॉग्स तो कंप्लीट करना ही है. जेवी के बैकलॉग्स बहुत सारे हैं, उसको बहुत सारा कुछ डिवाइस करवाना है. स्टार को भी अपना सारा नोट्स कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करनी है. सो कल स्टार आई, और स्टार जो खांसी मुंबई से लेके बहरन लेके गई थी, वही बहरन से लेके वापस मुंबई लेके आई है, तो इसलिए कल उसको मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा. सो वैसे ही पहले ही डिसाइडेड था कि मुंबई आने के बाद उसको एक ENT को दिखाना ही था मेरे को, लेकिन सबसे पहले मैं पीडियाट्रिक के पास लेके गई थी, हमारा जो पीडियाट्रिक है उसके पास. उसको मेडिसिन वगैरह दिया. मैं बात कर रही हूँ तो जेवी लिखने में ही रेडी नहीं है. जेवी कैच राइट द राइट राइट फास्ट. सो यस, तो उसको लेके गई तो डॉक्टर को दिखाया एंड मेडिसिन वगैरह लिए, बिकॉज स्टार का खांसी इज लाइक कंटिन्यूस, यू नो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट डजंट स्टॉप ओनली. सो यस, वी हैव टू रिलीव दैट इन सम ऑफ द अदर वे. सो इसीलिए डॉक्टर से बात की, थोड़ा बहुत मेडिसिन लिया, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. 2 वीक्स का मेडिसिन दिया हुआ है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. एंड जेवी का नोट्स कम्प्लीशन चल रहा है, तो कल स्टार को लेके आने के बाद स्टार के ट्यूशन भी शुरू हो गए, जेवी को बिठा के पढ़ाना लिखाना. सो वही चल रहा है, बाकी एक दिन तो पूरा अनपैकिंग में ही लग गया था हमारा. सो यस, दिस इज जस्ट सेकेंड डे वी आर हियर, एंड अभी तक बहरीन के आधे वीडियोज भी मैंने नहीं डाले हैं. सो देर आर लॉट ऑफ वीडियोज टू बी गो, लाइक बहरीन के जाना है एंड उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करना है, बट आई एम नॉट इन अ मूड टू एडिट. मैंने 2 दिन से कुछ भी एडिटिंग नहीं किया है, बिकॉज आई सीरियसली डोंट हैव टाइम फर्स्ट, एंड सेकेंडली आई एम नॉट इन दैट जोन ऑल्सो टू जस्ट ओपन द लैपटॉप एंड स्टार्ट एडिटिंग. सो यस,
एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम बहरीन, मतलब काफ़ी खाने पीने का, चॉकलेट्स वगैरह तो डेफिनेटली वहाँ से आए, तो लेके आए हम लोग, और इधर उधर देने के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आए थे, जैसे बकलावा, खजूर जो वहाँ का फेमस है, चॉकलेट्स, वो सब भी लेके आए. मम्मी के लिए मैं एक फ़ोन लेके आई थी जो मैंने मिडनाइट सेल से ख़रीदा था. डैड के लिए भी एक स्मार्ट, एंड देन दोस्त परफ्यूम्स, क्रीम्स, पाउडर्स, वो सब तो फलाना ढमकाना चलता ही है. बच्चों की भी काफ़ी शॉपिंग की मैंने इस बार, कपड़ों की, तो कपड़ों की इन द सेंस लाइक टी शर्ट्स, पैंट्स वगैरह, कुछ 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 ऐसे नॉर्मल कपड़ों की शॉपिंग की, डेली वेयर टाइप्स, वो किया. बाकी तो एज यूजुअल गोल्ड भी मैंने खरीदा. सो दिस टाइम द शॉपिंग एंड एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, और ट्रिप भी बहुत अच्छा था हमारा. 21 डेज का काफ़ी अच्छा ट्रिप था. यू खत्म हो गया एंड नाउ वी आर मिसिंग इट, यू नो, एंड गेटिंग बैक टू नॉर्मल इज लाइक अ त्रास नाउ, बिकॉज जेवियन बिल्कुल नहीं सो रहा दो दिन से. वो इस वजह से भी मेरा थोड़ा सा हैंगओवर चल रहा है, बिकॉज जेवी रात को नहीं सो रहा है, उसको थोड़ा टाइम गैप का ना मतलब एक वो हो गया है, तो उस वजह से ही स्लीपिंग वेरी वेरी लेट रात को, और हम लोग सुबह बहुत लेट उठ रहे हैं, तो दिन भी हमारा बहुत लेट शुरू हो रहा है, यू नो, लाइक वी आर लाइक इन दैट जोन ओनली. हम लोग जैसे 11 o'clock, यहाँ पे 11 o'clock हो रहा था, बहरीन में इट्स लाइक 8:30 ना, तो वैसे हमारा उठने का टाइम स्केड्यूल हो रहा है, तो इसीलिए वी आर गेटिंग वेरी लेट. फिर जेवी को स्कूल भेजना है, तो उसी में सब लग जाती है, फिर बाद में शाम हो जाता है, दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे भी. सो यस, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट एडिटिंग, होपफुली आई विल डू दैट फास्ट फास्ट. अभी जेवी को स्कूल छोड़ने का टाइम हो रहा है. बाय जेवी. Bye. Where are you going? Go. See you. Bye, Zevi. Take care. Zevi, how was your day? What's How was your day? How was your day? Day was good? Yes. Did you do writing? Yes. Happy fruits. La 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 la. देवेन खुद का ही वीडियो निकालने में लगा हुआ है. हाँ, मैं गा रही थी, वैसे ही मुंह चला रही थी, वरना गुस्सा हो जाता. अच्छा, फिर से चले. किसका फोन है ये? तुम्हारा होमवर्क कब करेगा? करो, शुरू करो भाई, पढ़ाई लिखाई शुरू करो. जेवेन अपने पजल्स करने में लगा है. आज टीचर ने उसके बहुत सारे बुक्स भेजे. आई नीड टू फिनिश अप हिज वर्क. चलो चलो, तुम भी अपना, वो देखो वीडियो देखने में लगा हुआ है इनके हैप्पी फ्रूट्स वाले, तुम भी अपना होमवर्क वगैरह शुरू करो. यस, कंप्लीट. आई विल जस्ट फिनिश वन वर्क ऑफ माइन एंड देन आई विल, मैं जेवी को पढ़ाने बैठूंगी. सो स्टारलेट इज गोइंग फॉर ट्यूशन. आज से स्टार का हिंदी मराठी का भी ट्यूशन शुरू हो रहा है. सो टुक ऑल योर बुक्स? हाँ, हिंदी मराठी का. टीचर को मराठी दिखाना, मराठी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करना शुरू करो. ओके, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? जाओ. खांसी में रिलीफ है ना तुम्हारे? ओके, गो. कम सुना आज क्या हुआ? रात को डालना है मेडिसिन. हाँ, रात को डालना. कौन सी स्प्रे? रात को डालना है और वॉन्टेयर भी रात को खाना है. जो आफ्टरनून वाला मेडिसिन खाया, चलो रात को चाइनीज खाएंगे. शॉर्मा नहीं खाएंगे. नहीं नहीं, मच्छर घुसेगा, जाओ मच्छर. हाँ, शॉर्मा नहीं खाएंगे, चाइनीज खाएंगे. ठीक है, तुमको लेके फिर अपन जाके लेते हुए आएंगे. नहीं, हम अच्छे पापा होंगे यहाँ पे. ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू रूटीन. जाओ और पढ़ाई 8:30 तक आ जाना, ठीक है? हाँ, जेवन का अपना ड्राइंग वाइंग करा रहा है, उससे होमवर्क वगैरह कराना है, तो उससे वो कराने बैठती हूँ थोड़ी देर में.